गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है लव फॉर लव, जो कि लिखा गया है विलियम कॉन्टवीक के द्वारा। एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, तो देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी किस रूप में है। सबसे पहले जानते हैं कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है उसकी थीम्स और उसके फीचर्स क्या होते हैं। देखते हैं कि जेंटलमैन एंड लेडीज वर लिविंग द बेस्ट एंड नेचुरल लाइफ। इसमें जितने भी पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेंटलमैन जो लेडीज होती हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक लग्जरी लाइफ को जीते हैं, यानी एक एस्ट्रोकेटिक लाइफ वाले पर्सन होते हैं। पीपल वर वेरी फैशनेबल, लोग काफी फैशनेबल भी हैं, एंड वो फैंसी एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ, और इसमें जो लोग काफी काल्पनिक और कीमती कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। राइटर गेव मोर फोकस ऑन बिट एंड डायलॉग, और राइटर भी जो है बिट एंड डायलॉग्स पर काफी फोकस डालता है कि किस तरीके से वो बुद्धिमानी रिमार्क करते हैं। स्टूपिड कैरेक्टर, ज्वेलर्स हस्बैंड, इलिसिट लव अफेयर्स, कॉन्स्पायरिंग वाइफ, सोलिलिटी ऑफ लव एंड मैरिज। इसमें अक्सर कर जो स्टूपिड टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, ज्वेलर्स, वो ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ज्वेलर्स ही होती है। इलिसिट लव अफेयर यानी जो एक मैरिज के अलावा बियॉन्ड द मैरिज वो लव अफेयर रखते हैं। कॉन्स्पायरिंग वाइफ, वाइफ भी ऐसी होती है जो षड्यंत्र करती रहती है। डिसलॉयल लव एंड मैरिज, ऐसी शादी ऐसा प्यार होता है जिसमें कोई वफा नहीं होती, इस टाइप की चीजें इसमें होती हैं। ये डायलॉग पर इनडिसेंट इन कॉमेडी में, और जो डायलॉग होते हैं इनडिसेंट, यही कॉमेडी ऑफ मैनर्स में है। तो जितने भी फीचर्स है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, वो हमें कॉन्फिडेंस की जो लव फॉर लव इसमें पाए जाते हैं। द क्लीन लव फॉर लव कॉन्स्टेंट द फीचर्स ऑफ कॉमेडी, इसमें कंटिन्यूअसली अगर देखा तो सारे फीचर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्ले करता है। इट शोज द लेविस लाइफ स्टाइल एंड एनवायरमेंट ऑफ कैरेक्टर इन दैट, वो देखते हैं कि यहाँ पर जितने कैरेक्टर्स हैं उनका लेविस लाइफ स्टाइल है, बहुत ही एजुकेटेड वर्क है एंड एनवायरमेंट ऑफ कैरेक्टर। और इसमें जो कैरेक्टर है वो इंटैक्ट मानी कर्जी में डूबा रहता है, यानी लाइफ एजुकेटेड तरीके से जीनी, लेविस लाइफ को जीना लेकिन कर्जा नहीं लेता। तो वैलेंटाइन इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर, इज द कैरेक्टर हुज फादर इज, जिसके फादर अमीर है, यट ही इज इन अ ह्यूज डेब्ट, फिर भी वो काफी कर्जे में, यानी फादर अमीर है लेकिन जो बेटा है वो कर्जे में रहता है। ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी एंड ही इज सून इन डेब्ट, वो सारे धन को खर्च कर देता है और पूरी तरीके से वो कर्जे में आ जाता है। ही टेल्स हिज सर्वेंट जेरेमी एंड स्कैंडल, उसके जो सर्वेंट्स हैं जेरेमी एंड स्कैंडल, अबाउट हिज डेब्ट, वो अपनी कर्जी के बारे में उनको बताता है एंड ट्राइज टू कन्विंस हिज फादर सर सैमसन टू गिव द प्रॉपर्टी टू हिम सो दैट ही कैन क्लियर ऑल ऑफ हिज डेब्ट। वो अपने सर्वेंट को अपनी कर्जी का नहीं बताता, वो कहते हैं कि उसके फादर जो सर सैमसन है उनको वो कन्विंस करे, समझाए कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे ताकि वो अपनी सारी कर्जी से दे सके और मुक्त हो सके। वैलेंटाइन्स डे पे क्लियरली शो द लेविस लाइफ स्टाइल ऑफ अपर क्लास, लाइक वैलेंटाइन डे का बिहेवियर जो कुछ से दिखाई देता है कि वो अपर क्लास के लेविस लाइफ को जीती है। वो वर इन्वॉल्व इनटू वर्ल्डली डिजायर ऑफ लाइफ, जो हमेशा संसार के सारे हर प्रकार की खुश खुशियों को प्राप्त करने की चाहत रखती है। अब देखिए इसमें लव फॉर मनी, लव एंड मनी, यह द पीपल ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड वर मोर फोकस्ड ऑन मनी, जो रेस्टोरेशन के जो लोग हुआ करते थे वो हमेशा पैसे पर, प्लेजर, खुशियों पर, सेक्स पर ज्यादा फोकस डालते थे। लव एंड मैरिज वर जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, और लव एंड मैरिज को वो पैसे के रूप में ही जज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन लव फॉर लव में मिसेज ट्रेल वांटेड, इसमें भी मिसेज ट्रेल है जो पैसा ही चाहती है। वैन ओनली वांटेड, वैन ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी ट्रेल जो वैन को चाहती है लेकिन किसकी वजह से, केवल पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, मनी की वजह से, सो दैट शी कैन लिव इन लेविस लाइफ, ताकि वो एक लेविस लाइफ स्टाइल को जी सके, वो वैन से शादी करना चाहती है। सो लव एंड मैरिज आर गाइडेड बाई ए डिजायर फॉर फॉर रिलीज, इस तरीके से ये मैरिज जो है और जो प्यार है वो एक प्रकार का लाभ है जो उन्हें क्या दे, धन अर्जित, एक ऐसा लाभ है जिससे वो धन को अर्जित कर सके, और इसी वजह से प्रेम विवाह को करना चाहती है। आज वी फाइंड अ ट्रू लव बिटवीन वैलेंटाइन एंड एंगल, हालांकि हमें पता चलता है कि जो वैलेंटाइन और जो एंजेलिका है उनके बीच में काफी सच्चा प्यार है। हियर लव इज फॉर लव, यहाँ पर प्यार प्यार के लिए है, नॉट फॉर मनी, प्यार पैसे के लिए नहीं है और एनी अदर रीजन या फिर किसी वजह से नहीं है। हीरो एंड हीरोइन, द हीरो एंड हीरोइन ऑफ दिस कॉमेडी, इस कॉमेडी की जो हीरो हीरोइन है आर एजुकेटेड बाय बर्थ, वो जम से ही एजुकेटेड है। द हीरोइंस आर रिच, हीरोइंस रिच भी है,
चार्मिंग सुंदर भी एंड ब्यूटी बुद्धिमान भी है, कॉन्वी लव फॉर लव वैलेंटाइन द हीरो टेल्स हिज बिलव्ड एंगेलिका। यहाँ के जो वैलेंटाइन जो हीरो है वो अपनी एंगेलिका को बता भी देता है क्योंकि यू आर ए वोमैन वन टू होम हैवन गेव ब्यूटी। वो कहते हैं तुम एक वोमैन हो जिसको कि स्वर्ग ने सुंदरता दी है। यू आर ऑल बाइट, तुम बहुत सुंदर हो। एंड वैन यू आर फर्स्ट बार फॉर्म, ऐसा लगता है तुम पहले जितनी थी सुंदर हो। एंगेलिका टेल्स हर लवर, वो भी अपने प्रेमी को बताती है, यू वुड ऑल हैव द रिवार्ड ऑफ लव, तुम में भी सारे गुण, यानी ऐसा लगता है भगवान ने तुम्हें प्यार से नवाजा है। बट फ्यू हैव द कॉन्स्टेंसी टू स्टे, हालांकि कुछ कॉन्स्टिट्यू, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए उस प्यार को, तुम्हें कुछ स्टे यानी कॉन्स्टेंसी उसमें रखनी चाहिए। तुम कुछ कॉन्स्टेंसी भी रखते हो, हाँ ठीक है, कुछ चीजें हैं। एंड द मिरेकल टू दिस दैट वी फाइंड ए ट्रू लवर, इस तरीके से कहते हैं, लेकिन मिरेकल ये है कि हम एक सच्चा प्यार पाते हैं एक दूसरे में। यूज ऑफ वर्ड्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स आल्सो क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ लाफ्टर। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो एक प्रकार का ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जहां पर लोग हंसते हैं, एंटरटेन और तो मनोरंजन भी करते हैं विद द यूज ऑफ वर्ड्स के साथ इन द प्ले लव फॉर लव। द कन्वर्सेशन बिटवीन सर सैमसन एंड मिस्टर फोरसाइट, जो सर सैमसन एंड मिस्टर फोरसाइट के बीच में जो वार्तालाप होता है, एज द टाइटल एंड द मिस इज फुल ऑफ विटी डायलॉग, जैसे कि जो टाइटल है मिस रॉथ है वो पूरी तरीके से विटी डायलॉग से भरी, यानी वो विटी डायलॉग्स की रिमार्क हमेशा यूज करती है, यानी जब भी डायलॉग्स कभी कुछ भी स्टेटमेंट देती है तो विटी ही होते हैं। देयर बिट्स आर एनफ टू क्रिएट ह्यूमर इन द प्ले गिविंग ए सेंस ऑफ प्लेजर एंड लाफ्टर टू द ऑडियंस। और जब वो विटी डायलॉग्स को बोलती है तो वो वास्तव में पूरी तरीके से हिम्मत को प्रेजेंट करते हैं, रिवील करते हैं, और पूरी और एक प्रकार का उसमें सेंस भी होता है प्लेजर, खुशी का एंड लाफ्टर का टू द ऑडियंस, जिससे कि ऑडियंस हंसना शुरू कर देती है। कंफ्यूजन ला लव फॉर लव इज कॉन्वीज बेस्ट प्ले, लव फॉर लव कॉन्वी के बहुत ही अच्छा प्ले है, वेल नोन जाना माना प्ले है। क्रिटिक नेट एडमंड ग्रॉस आंसर सेड, क्रिटिक ने कहा भी एडमंड ग्रॉस ने, लव फॉर लव इज द मास्टर पीस ऑफ कॉन्वी, ये कॉन्वी का मास्टर पीस कहलाता है। द ब्रिलियंट प्योर कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हम इसको ब्रिलियंट प्योर कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूप में जानते हैं। और थैंक यू वेरी मच।